हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सोनू है और मैं IIT गुवाहाटी के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत सारे जो क्वेरीज हुए थे, जो मैंने कल की वीडियो डाली थी, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे, तो मैं उससे जो क्वेरीज पे एक वीडियो बना रहा हूँ सॉफ्टेड। उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे दोस्त का चॉइस पे लिंक है। तो बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हैं कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, तो उसके लिए मैंने जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेरा दोस्त का है, उसे 4,271 रैंक थे जेईई मेंस में, और उसको उसका जो चॉइस नंबर 4 पे उसने रखा था मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, और उसको फर्स्ट राउंड में ही मिल गया है। होम स्टेट कोटा था उसका, और जो कैटेगरी था ओपन कैटेगरी से जनरल न्यूट्रल था उसका, मतलब कि मिला है उसको। तो आप देख सकते हैं कि क्या है। उसके बाद फिर मैंने एक दो सैंपल के लिए ये जो है एक लड़की का मुझे मिला है कहीं से, तो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। इनका जो रैंक था जेई एडवांस में 289 रैंक था, जो कि यूज हुआ है उनको कैटेगरी सीट के लिए। और इनको जो मिला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 ईयर के लिए IIT बॉम्बे में। इनका जो था ये चॉइस नंबर 1 था, और इनको चॉइस नंबर 1 मिला है। इसका जो था ये चॉइस नंबर 4 था। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत सारे चीज रखा है, लिख दिया। पहले सबसे पहले लोग कंफ्यूज हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में, तो आप मैं आपको पहले ही बताता हूँ, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आप 12th का मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर 12th का मार्कशीट आपके पास अभी नहीं है, तो अगर आपके पास ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वाला भी लगा सकते हैं। अगर ऑनलाइन में स्टेट नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया उसमें स्टेट मेंशनड नहीं है, तो आप फिर पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप पासिंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। मैंने अभी बात किया था वहाँ से, जो टोल फ्री नंबर था, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, सो आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं फी पेमेंट पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भैया नहीं, अगर मैं सीट फ्लॉट कर देता हूँ तो क्या फिर भी मुझे पैसा देना पड़ेगा? तो यार, आपको अगर सीट मिला है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, वो श्योर है। आप फ्रीज करो, फ्लॉट करो, कुछ भी करो, तो आपको जो OBC एंड जनरल है उनको 35,000 देना होगा, और जो SC ST उनको 15,000 ही आपको देना ही देना होगा। और आपको इसके लिए चिंता नहीं करना है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सेमेस्टर फी होता है उसमें आपको मैनेज कर दिया जाएगा इस फीस को, या फिर रिफंड कर देंगे अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। और फिर या बहुत सारे कॉलेज में क्या करते हैं कि मतलब कि उस सेमेस्टर फी में जैसे आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो आपका जो सेमेस्टर फी होगा उसमें इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की, तो भाई बहुत सारे लोग जो हैं इसमें टेंशन में है कि भैया बताइए ये हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट है वो फेल कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो भाई आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट फेल हुआ है तो एक तरीके से ग्लिच है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको शो होने लगेगा। 30 तारीख तक डेट है, तो आप सब जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो आप अच्छे से सब रख लीजिए। मुझे लगता है ग्लीच है और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जोसा का जो साइट है उस पर पहले भी ऐसे ग्लीच हुए हैं। उसके बाद में आपको कुछ और भी कमेंट जो कि मुझे मिले हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ कि कौन कौन से कमेंट जो हैं वो मुझे मिले हैं और जिस पे मैं बात करूँगा। एक मिनट, तो उसमें जो सबसे पहले जो कुछ कमेंट है वो मैं अभी आपको ले लेता हूँ और उस पर बात करता हूँ। तो जो और कमेंट मिले हैं वो कुछ कमेंट हैं कि कैन आई पे फी आफ्टर नो क्वेरी रेज ऑन द डॉक्यूमेंट। तो भैया इनका कहना है कि कैन आई फी पे फी सो या सो उसके बाद भी हमें बहुत सारा जो है कि हमें बहुत सारा जो है कमेंट मिला है। उसमें सबसे पहला कमेंट है कि भैया क्या हमें अगर जो सीट एक्सेप्टेंस भी है तब भी सबमिट करना होगा। उसके बाद है क्या सर जो PW कैंडिडेट को PW वेरिफिकेशन अभी करवाना कंपलसरी है? नहीं भाई, अभी कोई भी कंपलसरी नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट आपका जो बना हुआ है वो आपको सिंपली अपलोड कर देना है। सर MySC रैंक जितना है डिड नॉट गेट सीट राउंड 1, तो भैया नहीं मिला तो वेट कर लो, आपको आगे के राउंड में जो है वो सीट मिल जाएगा। उसके बाद है क्लास 12 और क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड PDF पर बोथ साइड पेज करना है क्या? अरे भाई, आप 12th और 10th दोनों का जो मार्कशीट का जो फ्रंट पेज है उसको कर दो, दैट्स एनफ।
जोसा ऑफिशियल एनसीएल में हम पेन से भरकर उस पर सीओ का साइन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बस आपका सीओ का साइन होना चाहिए और उसको वैसे वेरीफाई करता है भैया। रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से मेडिकल तो नहीं सर, आप जो एमआईसी से मतलब कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं, एमसीआई से, आप उनके थ्रू में रजिस्टर्ड जो डॉक्टर है उनसे आप सिंपली करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग बोले भैया आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, सो विच डॉक्यूमेंट आई टू अपलोड, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। मुझे लगता है ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इज एनफ, ओबीसी एनसीएल जो होता है वो आप जब फाइनल एडमिशन जब होगा उस समय आप दे सकते हैं। क्लास 10 सर्टिफिकेट में मार्कशीट डालना है कि पासिंग सर्टिफिकेट? भाई क्लास 10 सर्टिफिकेट में मार्कशीट आप डाल दो, दैट विल गुड। नाइट ईयर आवाज अलॉटेड 428 ओबीसी रैंक, तो भाई ग्रेट भाई, थैंक यू। डू यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एनी फी इवन इफ फ्रॉड? या अगर आप फ्रॉड भी करते हो तो आपको फी तो देना ही होगा ना भैया, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने सीट अलॉट नहीं हुआ है वो डॉक्यूमेंट कब अपलोड करेगा, प्लीज रिप्लाई। भाई जिसका सीट अलॉट नहीं हुआ है वो आप वेट कीजिए, आगे क्राउंड में जब भी आपको सीट अलॉट होगा तब आपको जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सर प्रैक्टिकल एंड ड्रॉपर को गैप सर्टिफिकेट लगाना है क्या? अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, जब आपका एडमिशन होगा उस समय आप लगा सकते हैं सिंपली। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा? आ गया भैया। प्रॉब्लम आई एम बी अलॉटेड सीट ऑफ माई फर्स्ट चॉइस बट एज ओबीसी एनसीएल बट आई एम नॉट हैविंग अ न्यू सर्टिफिकेट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी होगा क्वेरी मैं उसे आगे लूंगा। और हाँ एक बात आपको बताता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में जो भी दिक्कत हो पूछिए, मैं सारे कमेंट का जवाब जो है देता हूँ कमेंट बॉक्स में, तो आपके जो भी कमेंट आएंगे मैं उस सारे का जवाब जल्दी से जल्दी देने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।